जी बड़वाई का मुकाम है। यहाँ से अभी हमने नाश्ता किया है। यहाँ झलकंड 11 बाबूसर 40 किलोमीटर दूर है। बड़वाई का मुकाम है। यहाँ पर देखें जी कुछ होटल्स वगैरह भी हैं लेकिन महंगाई बहुत है। अभी हमने पीछे जो नाश्ता किया है मैं आपको उसके रेट शेयर कर दूँ। देखें जी जनाब वाला, ये 5 ऑमलेट 500 रुपए के, 100 रुपए का एक ऑमलेट है। और पराठे जनाब 12 पराठे 70 रुपए का एक, और चाय 60 रुपए की। और इस पर यहाँ जो है वो आप देखें कि सर्विस चार्जेस जो है वो अलग लगाते हैं 150। तो ये टोटल बिल हमारा हो गया 1850 रुपए का। मेरा मशवरा ये है कि आप साथ में कुछ लेकर आएँ, जैसे अचार और चटनी, और यहाँ से सिर्फ पराठे लें और आमलेट के पैसे आपके बच जाएंगे और मज़ा भी दुबाला हो जाएगा। चाय लें, पराठा लें, अपना अचार और चटनी साथ लेकर आएँ। ये जी पुलिस चेक पोस्ट आ गई है बड़वाई मानसेरा। ये रास्ता हमारा चल रहा है। ये देखें वही दरिया गुनहार की जो शाखें वो आ रही हैं, मुख्तलिफ आबशार हैं और यहाँ कुछ बड़ी आबशार है इसलिए यहाँ पुल बना दिए गए। ये देखें ऊपर से पानी आ रहा है। मैंने जो इतने दिन में अंदाज़ा लगाया है कि यहाँ पर खाने पीने का ख़र्चा अच्छा खासा हो जाता है, जिसको आप कुछ कंट्रोल कर सकते हैं कि नाश्ता देर से करें और लंच भी देर से करें तो फिर आपका डिनर जो है ना वो स्किप हो जाएगा। उससे आपकी एक तो सेहत अच्छी रहेगी। ये देखें जी बाइकर हजरात अपने तमाम साजो सामान के साथ ये वहाँ कैंपिंग करते हैं। यहाँ से निकलते हैं वो बाबूसर से होते हुए गिलगित हुंजा स्कर्दू तक जाते हैं इसी रूट से। तो मैं कह रहा था कि आप नाश्ता देर से करें और फिर लंच को और थोड़ा देर कर दें। तो इस तरह से आप सिर्फ 2 खाने खाएंगे दिन में। एक खाने का एक तो आपके पैसे भी बचेंगे, दूसरा आपकी सेहत भी बहाल रहेगी, आप नॉर्मल फील करेंगे, रात में परेशानी नहीं होगी क्योंकि होटल के खाने खाने से बड़ी परेशानी होती है। तो ये एक और दूसरा अपने साथ चटनी अचार वगैरह रखें तो उससे कम सालन में आप जो है वो गुजारा करेंगे। जो अचार और चटनी सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी, यानी आपको सूद हसम भी है, पैसे भी बचेंगे यकीनन इससे। ये देखें यहाँ एक और चीज़ जो मैंने नोट की कि रोड के साइडों पर बच्चे बैठे हैं, जैसे ही कोई गाड़ी आती है तो बच्चे जो है वो गाड़ी के साथ भागते हैं और फिर कहते हैं हमें पैसे दो पैसे दो पैसे दो। ये देखें यहाँ सामने भी आपको बच्चे भी नज़र आएंगे। ये इस तरह से जा बजा जो है वो, ये कौन सा पॉइंट है, ये जी स्ट्रीम व्यूज रेस्टोरेंट। यहाँ देखें आप शारें कितनी हैं, ऊपर से बहुत सारा पानी नीचे आ रहा है, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। यहाँ बैठें एंजॉय करें, इधर वादी में भी लोग चले आते हैं, वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं तफरी करते हैं। हमारा इरादा है कि अब झील पे लालूसर झील पे रुकेंगे लोलोसर, और फिर जो है वो आगे बाबूसर पे, और फिर वापसी में टाइम बचा तो किसी झील में किसी वादी में चटाई साथ हम लेकर आएंगे तो उस चटाई को बिछा के और फिर बैठ जाएंगे, थोड़ी देर तफरी करेंगे वहीं। यहाँ सफ़र के लिए एक ये भी एक बड़ी कीमती चीज़ है कि आप चटाई को साथ रखें, जहाँ आपका दिल करे मन करे खूबसूरत वादियाँ वहाँ रुकें बैठें चटाई बिछाएं और आराम करें। ये पहाड़ों की कटिंग हो रही है, शायद यहाँ भी कुछ
होटलें होटलें बनाना चाह रहे हैं लोग। देखें जी खूबसूरती देखें। अब हम आगे फिर पहाड़ पे चढ़ाई शुरू हो जाएगी। पहाड़ों में से जा बजा जाए वो पानी आता हुआ नजर आता है, कहीं से ज्यादा कहीं से कम। ये देखें ये पत्थरों में से पानी निकल रहा है। यहाँ के मुकामी लोगों का रोजगार सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पर डिपेंड करता है। लोग जो हैं वो आने वालों के लोगों के टूरिस्ट पर जो है वो इनकी मईशत सारी डिपेंड करती है। वहीं से कमाते हैं वहीं से खाते हैं। उनके साथ तावुन भी करें आप लोग। चलें जी अब हम आगे जो नेक्स्ट लुलूसर झील है वहाँ फिर इंशाल्लाह वीडियो पर बनाएंगे। ओके अल्लाह हाफिज़।